सर क्या कहना चाहेंगे रोशन सितारे विजय 2015 थर्ड रोल पे आए क्या कहना चाहेंगे? बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और यही दुआ है कि आपका ये बड़ा कामयाब हो ये फंक्शन आज का। सुना है 3 साल से चल रहा है और सुना है कि बड़े इसमें अच्छे नेक काम में लगे हैं आप। लोगों को तालीम दिलाना और फिर उनको गरीबों की मदद करना ये बहुत ज़रूरी है और बस मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि आपका ये जो इतने लगन से आप जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से कामयाब हो और आप और तरक्की करें। और मैं बड़ा ममनून हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस साल आपने मुझे यह अवार्ड देने के लिए बुलाया और कोशिश आइंदा भी यही होगी कि जिस लिए आप अवार्ड दे रहे हैं शायद इसलिए कि मैं आज तक काम सही करता हूँ तो कोशिश यही होगी कि फिर आइंदा भी वही काम जारी रखूँ और अपने जो दर्शक हैं हमारा जो ऑडियंस है उनको कुछ अच्छी बातें कह सकें, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैला सकें, चैन अमन से साथ में रहने का पैगाम फैला सकें, उन तक पहुंचा सकें। और बस मेरी यही आपसे शुभकामनाएं हैं और मेरी बेस्ट विशेस। आपने कहा कि अवार्ड मिले तो अवार्ड के बारे में बताएंगे किस किन कामों को देखकर क्या आपकी एक्टिंग को मतलब अवार्ड? वो आपको शायद किसके लिए मुझे अवार्ड दे रहे हैं वो तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है, वो शायद जब स्टेज पे जाऊंगा तो आप इत्तला करेंगे मुझे कि इसलिए आपको दिया जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने अवार्ड मुझे देने का सोचा। जब फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे कब नज़र आ रहे पर्दे पे कुछ प्रोजेक्ट अगला कौन? मेरे 2-3 फिल्में हैं, एक का नाम है द फाइटर, वो अभी उसका आखिरी शेड्यूल बाकी है, वो हमने करना है गोवा में। एक और फिल्म है जो हम बना रहे हैं जिसका नाम है कोल्ड, वो हम लंदन में इंशाल्लाह जाएंगे बनाने के लिए भगवान की कृपा से, वाहेगुरु की कृपा से। नाम तो बहुत है उसके लेकिन है तो एक ही, वो मैं समझता हूँ गॉड विलिंग। तो वो एक दूसरी है, तीसरी एक का नाम दैट्स इनफ शायद है, अभी वो सेट पे गई नहीं। तो फिलहाल तो ये 3 ही प्रोजेक्ट्स हैं और बस मुझे ख्वाहिश मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अच्छी फिल्में बने और आप देख के मुतमईन हों, खुश हों हमारे ऑडियंसेस वगैरह। थैंक यू, वेलकम सर। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम है सैयद कयूम सबा और मैं जर्नलिस्ट हूँ, समाज सेवक भी हूँ, बिजनौर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन और जितनी भी ये संस्थाएँ गरीबों के लिए और उन लोगों के लिए काम कर रही है जिनमें सलाहियतें हैं, टैलेंट हैं, तो बड़ी खुशी हुई है। तीसरा अवार्ड है इन लोगों का और बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है और इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में काम करने वालों को, अलग अलग इलाके में, अलग अलग समाज में काम करने वाले लोगों को जो सम्मानित करने का बेड़ा उठाया है ये काबिल मुबारकबाद है। और हौसले होते हैं हम जैसे लोगों को या उन जैसे लोगों को जो समाज में और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, समाज की खिदमत कर रहे हैं, एजुकेशन की खिदमत कर रहे हैं, उन लोगों को ये नवाज